हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर आज मैं आपके लिए 2 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में देकर आई हूं मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते एक मोटिवेशन कोर्स से हर दिन जिंदगी से कुछ नया सीखने की कोशिश करो तो फ्रेंड्स सीखना देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है आपको हर एक दिन अगर आप अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप तरक्की कर रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है तो फ्रेंड्स एयर इंडिया जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है सॉरी उसकी जो नई महानिदेशक बनी है उनका नाम है वसुधा गुप्ता और फ्रेंड्स जो वसुधा गुप्ता हैं इन्होंने एन वेणुधर रेड्डी जी का स्थान दिया है ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में ये जाना जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी लेकिन उस टाइम पे इसे आकाशवाणी कहा जाता था फिर इसका नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो किया गया इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में इसी के साथ फ्रेंड्स हम टॉप फाइव चर्चित महिलाओं की नियुक्तियों का रिविजन करते हैं भारत की जो नई लेखा महानियंत्रक बनी उनका नाम है सोनाली सिंह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सीबी की नई अध्यक्ष बनी माधवी पुरी बुच्च वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है रेणु सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी शांति श्री धुलिपुड़ी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जी ट्वेंटी देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 हजार कहां पर आयोजित हुई है इस बैठक का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स बाली इंडोनेशिया में इस बैठक को कराने का मेन उद्देश्य ये है कि जी ट्वेंटी सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर जो भूमि शरण है उसको रोकने के साथ किसी को नुकसान ना पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना इसी उद्देश्य के साथ ये बैठक की गई और इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी आपका आंसर होगा भूपेंद्र यादव जी ने ये हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 तो इसमें 19 देश हैं और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई भारत भी जो है जी का हिस्सा है जी का जो पहला सम्मेलन है ये हुआ अमेरिका में 2008 में अगर हम इसके सोलवें एडिशन की बात करें तो ये 2021 में हुआ था इटली में 2022 हजार का जो जो डी ट्वेंटी सम्मेलन हुआ ये इसका संस्करण हुआ सत्रवा इंडोनेशिया बाली में जो इसका आयोजन किया अगले साल 2023 में इसका आयोजन कौन सा देश करेगा तो फ्रेंड्स आंसर है भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार के द्वारा फ्रेंड्स ये वर्चुअल स्कूल जो है लॉन्च किया गया है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उन्होंने देश का पहला दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है इसमें देखिए विद्यार्थियों को जो है ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा और बहुत बड़ी इसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी जो 24 घंटे विद्यार्थियों के लिए ओपन रहेगी कि आप किसी भी समय इस डिजिटल लाइब्रेरी का जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकेंगे इस स्कूलिंग प्लेटफॉर्म को विश्व प्रसिद्ध संस्था गूगल और स्कूल नेट इंडिया ने बनाया है इसी के साथ ट्रेंड्स पिछले टॉप फाइव भारत का पहले से जुड़े कुछ प्रश्नों को रिवीज, हम लोग रिवाइज करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और बील वाल बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया कच्छ गुजरात में जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो है फ्रेंड्स तमिलनाडु भारत का पहला थ्री पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा आंसर है बेंगलुरु में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो फ्रेंड्स आंसर है झारखंड फ्रेंड्स हमारी लास्ट सिक्स मंथ की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है इस बुक में सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगी आप इसे वहाँ से बाय कर सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डो में एक रूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है इसका नाम क्या रखा गया है तो परख जो है इसका नाम रखा गया है और परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट तो परख जो है देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड्स के लिए एक समान नियम स्टैंडर्ड गाइडलाइन तैयार करेगा जिससे बच्चों में इक्कीसवीं सदी में ज़रूरी स्किल्स जो है वो विकसित की जा सके और साथ ही में जो है उनका मूल्यांकन भी किया जा सके ये जो संस्था है एन की बात करें यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसके एक अंग के रूप में संस्था काम करेगी और इसके साथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी परक की ही होगी तो इसमें बच्चों को देखिए बच्चों की स्किल तो डेवलप करी जा रही हैं साथ ही साथ में उनका मूल्यांकन भी यहाँ पर किया जाएगा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी क्रिकेट में पैंतीस सौ रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बनी है सही आंसर है रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी क्रिकेट में पैंतीस सौ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए है। अभी हैं अभी देखिए ये उपलब्धि उन्होंने जो एशिया कप चल रही है उसमें होंगकॉन्ग के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी सबसे ज़्यादा रन बनानों की सूची में जो न्यूजीलैंड के मार्टिन गाप्टिल हैं ये दूसरे नंबर पे हैं और वहीं विराट कोहली की बात करें तो ये हैं इसमें तीसरे स्थान पे और पहले नंबर पे हमें ध्यान रखना है रोहित शर्मा क्रिकेट से जुड़े कुछ और प्रश्नों को रिवाइज करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सौ मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं विराट कोहली छः सौ क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर ये वेस्टइंडीज के प्लेयर हैं किरोन पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने भारत के प्लेयर भुवनेश्वर कुमार अंतर्राष्ट्रीय ओ क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है सही आंसर है इंग्लैंड भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने तो फ्रेंड्स आंसर है ऋषभ पंत नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है अब इसका जो आयोजन है बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया भारत और दुनिया भर के कई प्रमुख और बेहतरीन डॉक्टर्स ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है इस शिखर सम्मेलन का मेन उद्देश्य है चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथी प्रणाली को शिक्षित और इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना इसकी थीम रखी गई डिसीज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा इस तारामंडल को मायापुरी जो कि है पश्चिम बंगाल में तो 2024 तक जो है इसे बनाया जाएगा तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये धार्मिक स्मारक दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद भी होगा जो वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय जो ब्रह्मांड है ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर कराएगा इसे बनाने में लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा और इस मंदिर की जो ऊंचाई होगी वो एक मीटर की मंदिर की ऊंचाई होगी अगला क्वेश्चन है कृषि त्यौहार नुआ खाई जुहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है तो फ्रेंड्स ये जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है उड़ीसा में इसे मनाया जाता है यहाँ पे एक शब्द आया है नुआकाई जिसका मतलब होता है नया खाना तो ये उड़ीसा का प्रमुख पर्व है जो कि गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है एक तरह का ये कृषि पर्व है इसमें जिससे क्या होता है कि जो पैदा होने वाली नई फसल है उसका स्वागत बड़े उत्साह के साथ जो है इस पर्व को मना किया जाता है इसी के साथ कुछ और महोत्सव की बात करते हैं जो 2022 में हुए खारची महोत्सव ये त्रिपुरा में हुआ साउ जोआउ उत्सव ये गोवा में हुआ है, है असम में सूफी महोत्सव कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव ये कहा मनाया गया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है सही आंसर है फ्रेंड्स एक से सात सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है मनाया जा रहा है मेन इसका उद्देश्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा उनके पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना और इसकी थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर है फ्रेंड्स नेपाल के साथ जो है जैव विविधता संरक्षण को लेकर ये समझौता किया गया है इसका मेन उद्देश्य यही है कि भारत और नेपाल के बीच वन जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना साथ ही साथ में इसमें भारत नेपाल कॉरिडोर की बहाली और आसपास के क्षेत्रों में वन्य संरक्षण व जैव संरक्षण के उपायों का प्रावधान रहेगा तो ये सभी जो है इस समझौते के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम नेपाल की लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि भारत का पड़ोसी देश है नेपाल और नेपाल जो है ये इसका एशिया महाद्वीप में स्थित है राजधानी है काठमांडू करेंसी है नेपाली रुपया राष्ट्रपति ना का नाम है विद्या देवी भंडारी प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर दुएवा नेपाल भारत के पांच राज्य को छूता है यानी पांच राज्यों से सीमा लगती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है आठ मीटर इसे नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं नेपाल की सबसे लंबी नदी है करनाली नदी भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो वो है फ्रेंड्स उत्तरा उत्तर प्रदेश महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था नेपाल में लुम्बनी जगह पे सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू में है नेपाल की राजधानी में और नेपाल की संसद का क्या नाम है तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय पंचायत भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो उसका नाम है सूर्य किरण अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं तो ओ की बात करते हैं तो राजेश कुमार श्रीवास्तव ONGC के अंतरिम प्रमुख बनी हैं। इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 1956 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को संसदीय संघ सम्मेलन का अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है आंसर है फ्रेंड्स अनुराग शर्मा तो फ्रेंड्स संसदीय संघ सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है अनुराग शर्मा को तो कनाडा में आयोजित जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हुआ उसमें जो भारतीय सांसद हैं अनुराग शर्मा इनको संसदीय संघ सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं अब हम करेंगे ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन तो चलिए शुरू करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है आंसर है वसुधा गुप्ता जी देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक दो हज़ार कहाँ आयोजित हुई है बाली इंडोनेशिया में छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है आंसर है दिल्ली केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एक रूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की आंसर है परख अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी क्रिकेट में पैंतीसों रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रन किसके हो गए हैं रोहित शर्मा पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है तो फ्रेंड्स आंसर है दुबई वर्ष 2024 तो तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा मायापुरी पश्चिम बंगाल नेक्स्ट है कृषि त्यौहार नुआखाई जुहार किस राज्य में मनाया गया है तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा उड़ीसा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है तो ये एक से सात सितंबर तक मनाया जाएगा भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो फ्रेंड्स सही आंसर है नेपाल नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम के जो अंतरिम प्रमुख बने हैं उनका नाम है राजेश कुमार श्रीवास्तव किस भारतीय को संसदीय संघ सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है तो आंसर है फ्रेंड्स अनुराग शर्मा फ्रेंड्स अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ गया है वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कलकत्ता में स्थित पोर्ट विलियम जो फोर्ट है यहाँ पे विलियम कॉलेज इसकी स्थापना किसने की थी आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिजली इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है आंसर है फ्रेंड्स हमारा मधुमेह किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का पचास प्रतिशत वसूला जाता था तो उस व्यवस्था को क्या कहेंगे उसको कहते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश व्रत में बांटती है और ये जो रेखा है कहाँ सी होकर जाती है आंसर है मालागा विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है तो आंसर है सिंगापुर किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है तो किसी भी अगर परमाणु की हम बात करें तो न्यूक्लियस के गिर्द जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों की संख्या घूमती रहती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो आंसर है जॉन डॉल्टन रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था बीस सितम्बर नाइनटीन में भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है तो आंसर है थोक मूल्य सूचकांक खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है तो आंसर है जून से जुलाई में अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे खरीफ से अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो तीन तरह को मतलब फसलों को तीन वर्गों में बांटा गया और वो भी ऋतुओं के आधार पर तो बात करते हैं एक हो गया आपका रवि की फसल उसके बाद आ गया आपका खरीफ की फसल और तीसरा जो है उसको कहते हैं जायद की फसल ठीक है तो ये ना इनके जो बुआई होती है ये मानसून पर निर्भर करती है थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ मैं आपको जो रबी की फसल होती है ये जो है अक्टूबर से मार्च तक यानी इनका जो टाइम है वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक उस टाइम पे इसकी बुआई की जाती है और रबी की फसल में जैसे जौ गेहूँ चना मटर दाल सरसों ये सारी जो है रबी की फ़सल है अगर बात करें हम लोग खरीफ की फसल की तो जुलाई से वैसे ही जून जुलाई के मौसम में शुरू हो जाता है अक्टूबर तक जो है इसका का कार्यकाल चलता है और इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी खरीफ की फसलों में जैसे आपका चावल है मक्का बाजरा हो गया सोयाबीन मूंगफली, कपास ये सभी हैं खरीफ की फ़सल उसके बाद देखिए जायद की फ़सलें आती हैं और जायद की फ़सल को रवि खरीफ की फ़सल के बीच में मार्च से ये अप्रैल के बीच में बोई जाती है जैसे कि तरबूज ककड़ी खीरा खरबूजा ये सभी हैं जायद की फ़सलें तो थोड़ा सा ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें अब हम फ्रेंड्स पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करते हैं पहला क्वेश्चन है हंगेरियन फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता आंसर है मैक्स वर्स दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त तो कौन बने आंसर है संजय अरोड़ा पी आर एस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है तो आंसर है फ्रेंड्स केरल विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा एक से सात अगस्त तक भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है तो ये भारत और वियतनाम की सेना के बीच हुआ ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है सही आंसर है सावित्री जिंदल डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर है प्रतिभा रे चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दबाव की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी ने लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान को किसने शुरू किया है सही आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भारत और किस देश के सेना के, के बीच अल नजा फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ तो सही आंसर है ओमान फ्रेंड्स अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं थाईलैंड में भारत के जो नए राजदूत हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं राइट right आंसर है नागेश सिंह ये थाईलैंड में भारत के राजदूत बने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी आंसर है फ्रेंड्स हजीरा गुजरात में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है राइट right आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है तो फ्रेंड्स 31 अगस्त को यह दिवस मनाया गया द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सिक्सटी सेवन फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है सही आंसर है रणवीर सिंह ब्लूमबर्ग बिलीनियस इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अब तीसरे नंबर पे अडानी ग्रुप के जो ऑनर हैं गौतम अडानी जी ये तीसरे प्लेस पर आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जे के ईकोप नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर की सरकार ने लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहाँ स्थापित की हैं तो फ्रेंड्स जो मेघदूत मशीनें हैं ये मुंबई महाराष्ट्र में जो है इन्हें स्थापित किया गया है अगला क्वेश्चन है पचासवा अखिल शुमंग लीला महोत्सव 2022 कहां पर शुरू हुआ है तो फ्रेंड्स ये मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल यहां पे इस महोत्सव को शुरू किया गया है भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित करेगी तो इसे जोधपुर राजस्थान में फ्रेंड्स इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप ट्वेल्व करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो